नौ मुंतखब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आज अडियाला जेल में तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पाकिस्तान में मैंडेट चोरी नहीं होनी चाहिए। 9 मई के वाकये पर चीफ जस्टिस से गुजारिश है कि कमीशन बनाएं, वीडियोस मंगवाएं और शवाहिद इकट्ठे करके इंसाफ करें। हमारी जो मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, हमारा लीडर इमरान खान साहब, उनका जज्बा वैसे ही है माशाल्लाह। उनका जो पाकिस्तान के लिए सोच है, एक जो नजरिया है हमारी पार्टी का, उस पर वैसे ही माशाल्लाह वैसे ही कायम और दायम है। वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ होना चाहिए, पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा होना चाहिए और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और जमहूरियत के अंदर जो है ये जो लोगों का मैंडेट है वो किसी को भी हक नहीं है कि वो चोरी कर सके। इंशाल्लाह हम उस नजरिए के मुताबिक अपना इंशाल्लाह काम जारी रखेंगे और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि चूंकि हमारा लीडर हक पे है, सच पे है, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा लीडर भी इंशाल्लाह रिहा होगा और साथ साथ पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा निजाम हम बनाएंगे कि कोई भी किसी के साथ नाइंसाफी ना कर सके, कोई भी किसी का मैंडेट चोरी ना कर सके, किसी के साथ भी इस मुल्क के आईन के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके। अपने आईन का तहफ्फुज करना हमारा फर्ज है और इंशाल्लाह हमने एक ऐसा निजाम बनाना है कि जिसमें हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्ल महफूज हो इंशाल्लाह। इसके अलावा मेरी ये रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कि आप 9 मई के ऊपर भी एक कमीशन बनाए, इंडिपेंडेंट कमीशन बनाए, जुडिशियल कमीशन बनाए और ये जो आपके पास सीसीटीवी की फुटेज हैं उनको मंगवाएं। वो अभी तक मंजरियाम पे नहीं आ रही ताकि पता चले कि जिम्मेदारान कौन है, इसके बेनिफिशरीज कौन है और इसके जिम्मेदारान कौन है। हमारी खवातीन अभी भी जेलों में है, हमारे हजारों वर्कर जो जेलों में डाले गए, कुछ रिहा हो गए, वो अभी भी जेलों में है। उन पर एक जुल्म हुआ है और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ये हमारा मुतालबा है। और ये इसलिए हमारा मुतालबा है कि हमने सियासत अगर की है, हमने साबित किया है हुकूमत के लिए नहीं की। हमारी पार्टी वो पार्टी है कि 2 सूबों में हमारी हुकूमत थी लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए हमने वो 2 हुकूमतें छोड़ी। हमने अपने अमल से जाहिर किया कि हम जो कहते हैं इंशाल्लाह वो करते हैं। मुझे फख्र है कि मैं इमरान खान का वर्कर हूं, मैं तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को ये पैगाम दे रहा हूं कि इमरान खान आपकी जंग लड़ रहा है। मैं पूरी कौम को यह पैगाम दे रहा हूं कि इमरान खान हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है, आप इमरान खान का साथ दें, आप इमरान खान का साथ दें इंशाल्लाह। हम सब इंशाल्लाह लीड करेंगे, इमरान खान साहब जल्द ही हमारे दरमियान होंगे, वो लीड करेंगे और हम पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाएंगे जिसका ख्वाब अलामा इकबाल ने देखा था और जिसके लिए हमारे अबू आजाद ने अपनी जानी और माली कुर्बानियां दी।